3 माह हो गए तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए, लेकिन आज तक तुमने अपने काम को संजीदगी से नहीं लिया। तुम्हारा ध्यान काम पर कम और दूसरी एक्टिविटीज पर ज्यादा है। सुना है कुछ एनजीओज वाले हरेसमेंट के नाम पर दबाव डालकर तुमसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं? सर, मैं उन्हें पहले से ही इनकार कर चुकी हूं। मैं किसी के दबाव में आके किसी के खिलाफ बात नहीं करूंगी। देखो नगीन, इस वाक्य को 10 दिन हो गए हैं, आज भी मीडिया पर यह बात गर्म है। सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों की इज्जत को उछाला जा रहा है। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारी ये गलती की वजह से सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों को कितनी जिल्लत, बदनामी और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। जी सर, मैं समझ सकती हूँ। जो कुछ हुआ तुम्हें उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। इतना गुरूर तुम पर जचता नहीं है। खैर, मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने के लिए एक मौका देता हूं। तुम जाओ और जाकर सुल्तान दुर्रानी से माफी मांगो। सर, माफी गलत बात पर मांगी जाती है, और फिर उनके आगे मेरी औकात ही क्या है जो आज मेरी माफी इतनी कीमती हो गई। नगीन, तुम्हें मीडिया पर जाकर अपनी गलती का इकरार करना होगा, या फिर सुल्तान दुर्रानी के खानदान वालों के सामने जाकर माफी करनी होगी। सर, मैं मीडिया पर नहीं जाऊंगी और ना ही मीडिया पर जाकर माफी मांगूंगी। अभी तक तो मेरा नाम नहीं उछाला जा रहा, लेकिन इसके बाद मेरा नाम उछाला जाएगा। इस एक खबर को एक चटपटी खबर बनाकर पेश किया जाएगा। सर, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए। जहां तक बात आपकी दूसरी शर्त की है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं सुल्तान से जाके माफी मांग लूंगी।